हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज मैं आपको मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 से शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि बड़े से बड़े नंबर हो उसको 11 से यदि मल्टीप्लाई होगा तो आप कैसे विद इन 2 से 3 सेकेंड में उस नंबर को सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई को इतने टाइम में कर पाते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 48 को जो है वो 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 48 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई है 48, देखिए ये जो पहला नंबर और ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो नंबर होते हैं तो देखिए 4 को ऐसे ही रखना है, 8 को ऐसे ही रखना है और इसको क्या करना है, इसके साथ सेकेंड स्टेप क्या है, इसके साथ इसको ऐड करना है। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप 12 का 2 दो और ये एक इसमें कैरी हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये एक जो है कि यहाँ कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 528 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें 486 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐसे ही लिखना है तो 4 and 6 हमारा ऐसे ही हो जाएगा। और क्या करना है उसके बाद क्या करना है, इसके साथ पहले इसको ऐड करना है तो 8 को 6 से ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 होगा। तो 14 का 4 और कैरी हो जाएगा 1 जो कि यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का 2 यहाँ आ गया, कैरी 1 यहाँ फॉरवर्ड करेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए कितना हो गया, 6 4 2 1 3 और 4 1 5 ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए कितना बड़ा नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। सेम यही फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को एज इट इज यहाँ पे रखते हैं तो 7 and 3 यूं ही रख दिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, 8 को 3 में ऐड करेंगे तो 8 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11। तो 1 यहाँ पे क्या, 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर 5 को 8 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 5 13 तो 13 का 3 यहाँ पे हो जाएगा और 1 इसका यहाँ कैरी हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, 7 को 5 से ऐड करना है तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 का 2 यहाँ होगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। और सिंपली सभी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए 3 1 3 1 4 2 1 3 7 1 8। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा ना, 11 से किसी भी नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बस इसी तरीके से आप कीजिए आपके आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए एक और आपको मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैं और बहुत बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को यूं ही रखना है तो यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 4। अब सेकेंड स्टेप क्या है, इस 5 को जो है इस 4 के साथ ऐड करेंगे जो कि देखिए फर्स्ट स्थान पे तो ये आ गया, अब जो सेकेंड स्थान पे है तो बस इतना याद रखिए कि सेकेंड स्थान पे जो है ना उसके पीछे वाले जो नंबर आएंगे उसके साथ उसको ऐड करना है तो 5 को 4 से तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस 6 को क्या करना है, 5 से ऐड करना है तो 6 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 का 1 यहाँ पे लिख दो और 1 यहाँ पे एक कैरी लिख दो, ठीक है। फिर 7 और 6 तो 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना दिया गया, 13 हो जाएगा। 13 का 3 यहाँ पे लिखो और 1 यहाँ पे लिख दो, हो गया। उसके बाद फिर क्या करो, इसके साथ इसको ऐड करो 9 and 7 तो 9 and 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। अब सिंपल है, सभी को ऐड कर देना है तो 4 9 1 3 1 4 6 1 7 और 9 और 1 8 10 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।